उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और इस देवभूमि में तमाम प्रकार के मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन्हीं मंदिरों में से कर्णप्रयाग से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर चंडिका देवी मंदिर है, जिसे वैसे तो गोविंद मंदिर समूह के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ समय पूर्व यहाँ पर माता चंडिका की मूर्ति बह करके आई थी और जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने इस मंदिर का नाम चंडिका देवी मंदिर ही रख दिया। और अभी वर्तमान समय में भी सभी भक्त दूर दूर से मंदिर में पहुँचते हैं और देवी की स्तुति करते हैं। मूल रूप से गोविंद मठ है और विष्णु से संबंधित यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में है, संघ चक्र पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु के गोविंद रूप में है और भगवान लक्ष्मी नारायण जी है, गरुड़ पे आसीन आलिंगन प्रतिमा है और भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हैं जो पत्थरशिला है, नाभि में ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति, चरणों में लक्ष्मी जी, यह सब पत्थरशिला। इसी तरह भगवान का जो पूरब की ओर जो मुख्य द्वार है उस तरफ यह विराजमान है और हमारे ठीक सामने यह वैकुंठ विष्णु का मंदिर भी है। यहाँ पे भगवान विष्णु के 3 अवतार हैं, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, भगवान का वैकुंठ स्वरूप। और माँ चंडिका की बात करें तो माँ चंडिका जो हमारे इस मंदिर में है तो ये 1800 के आसपास जी पिंदर नदी हमारे ठीक सामने उत्तरवाहिनी दिशा में बह रही है, इस नदी में बहते हुए यहाँ पे आई है और तब से स्थान दिया गया है माँ चंडिका को। मूल रूप से ये गोविंद मठ है और विष्णु से संबंधित यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। सभी प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे नवरात्रि का हो गया है और जो भी मेले त्यौहार हमारे आते हैं, शिवरात्रि आती है और यहाँ पे 12 वर्ष के बाद माँ चंडिका की यात्रा होती है जो हर 12 वर्ष के बाद निकलती है और 10 माह की यह यात्रा होती है। इसमें मुख्य रूप से हमारे 6 गांव इसमें जो सेवा देते हैं, जिनमें सैनू, सिमली, चाक, सुंदरगांव, कोली और पुड़ियाणी, इन लोगों के द्वारा यह कार्य किया जाता है और यह हर 12 वर्ष के बाद जो है इसकी यात्रा होती है। इस बार भी 24 अगस्त से यह यात्रा प्रारंभ हो रही है, अभी मीटिंग का दौर चल रहा है। वरुण मिश्र है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और ये बहुत ही प्राचीन चंडिका माता जी का मंदिर है और जैसे कि आप सब भक्तगणों को अवगत होगा ही कि माँ अम्बिके के रूप हैं अलग अलग और 9 देवी हम नवरात्रों में पूजा करते हैं, उन्हीं का एक रूप चंडिका माता यहाँ बहुत प्राचीन काल से यहाँ पे स्थापित है और यहाँ पे भक्तगण बहुत दूर दूर से यात्रा करके यहाँ पे माता जी के दर्शन करने आते हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यहाँ पे माता जी का जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ आता है उसके हर कार्य यहाँ पे सिद्ध होते हैं। जब भी पुत्र पे कोई भी आफत आती है तो सीधा माँ के पास आता है और वैसी ये जगत जननी है, पूरे जगत की माँ है, इसलिए भक्त किसी भी भक्त पे, क्योंकि पूरा संसार माता जी का पुत्र है, तो किसी पुत्र पे जब भी आफत आती है तो माँ के पास ही आता है। यहाँ पे माँ अपने सब भक्तों को पुत्र रूप में यहाँ पे उनका कार्य सिद्ध करती है। न्यूज़ 18 लोकल के लिए कर्णप्रयाग के टिंडी से सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।